हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एग्रीकल्चर एजुकेशन हब पे। आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट 15। आई होप कि आपने पुराने 14 मॉक टेस्ट देख लिए होंगे। नहीं देखे हो तो देख लीजिए प्लेलिस्ट पे जाके, क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहने वाले वो आपके लिए। बेसिक्स, आपके जो भी बेसिक टर्म्स है वो वहीं से स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा मॉक टेस्ट रहेगा वो रहेगा पेडिग्री मेथड एंड बल्क मेथड के ऊपर। आप इसकी थियरी पढ़ लीजिए एक बार, बीडी सिंह से, फुंदन सिंह से, जिससे भी आप पढ़ना चाहें। ठीक है, तो और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर मुझे एक मैसेज छोड़ दीजिए, और किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो मेल कर दीजिए, और सिर्फ पीडीएफ का उसमें नाम लिख दीजिए कि इस सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन मेथड रिफर टू व्हाट अमंग दिस? क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन मेथड इनमें से? तो पेडिग्री मेथड, बैकक्रॉस मेथड, बल्क मेथड, तीनों होती है हमारी। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या बनाते हैं? हाइब्रिड बनाते हैं, सिंपल सी बात है। तो हाइब्रिड क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए हाइब्रिड क्या होता है। ठीक है, इन बायोलॉजी हाइब्रिड इज ऑफ स्प्रिंग रिजल्टिंग फ्रॉम कंबाइनिंग द क्वालिटीज ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स, दो अलग अलग ब्रीड, वेराइटीज, स्पीशीज और जेनेरा थ्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये होता है आपका हाइब्रिड। मतलब क्या है, कुल मिला के चीज़ें क्या क्या याद रखनी है? दो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए जो कि अलग अलग ब्रीड या फिर वेराइटीज या फिर जो भी है, कुल मिला के उनका जीनोटाइप अलग होना चाहिए। ठीक है, जीनोटाइप अलग होगा तो और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए। तो तीन चीज़ हो गई हमारे पास, टू ऑर्गेनिज्म, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंट जीनोटाइप। उससे जो बनेगा वो बनेगा आपका हाइब्रिड। और जो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है उसके लिए, उसको क्या बोलते हैं? मेथड को हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी मेथड होती है? पेडिग्री मेथड, बैकक्रॉस मेथड, बल्क मेथड। ठीक है, इतना क्लियर है अभी आपको? चलो, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आपको क्लियर होते जाएगा। पेडिग्री मेथड, चेकरबोर्ड मेथड। ठीक है, ये अपने इसमें ये बनाते हैं हम चेकबोर्ड। इसमें क्या, हम इंफॉर्मेशन डालते हैं पेरेंट्स की और ऑफ स्प्रिंग की। तो किसके लिए होता है ये? मेनली सेल पोलिनेटेड क्रॉप के लिए होता है। ठीक है, मोर कॉमनली यूज़ पूछा हुआ है। ठीक है, तो सेल पोलिनेटेड क्रॉप के लिए होगी। इतना क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे कि पेडिग्री मेथड इज़ रिफर टू द रिकॉर्ड ऑफ एंसेस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल सिलेक्टेड प्लांट। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें सारे के सारे प्लांट को नहीं रिकॉर्ड रखते हम, जो जो प्लांट सिलेक्ट करेंगे उसी को रखेंगे। तो एक ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा बीटी सिंह में, उसमें पूछा हुआ भी यही है। तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ऑल वहाँ पे देखे रखा है, तो ऑल आपको नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड प्लांट्स में ही ये रहता है। चलें आगे बढ़े तीसरे क्वेश्चन पे। वो टाइप ऑफ ब्रीड इज ऑफ पेडिग्री? किस टाइप का ब्रीड होता है पेडिग्री का? चलें, होमोजाइगस एंड नेरोजेनेटिक बेस। ठीक है, आपका जो पेडिग्री मेथड में आखिरी में जो आता है वो होमोजाइगस और नेरोजेनेटिक बेस होता है। ये बिल्कुल सही है। देन एक्चुअली में यहाँ पे हेट्रोजाइगस नहीं आएगा, होमोजीनस आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ गई है, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे हेट्रोजाइगस नहीं आएगा, होमोजीनस आएगा। ठीक है, तो होमोजाइगस होता है, होमोजीनस होता है, ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो होमोजाइगस और करेक्ट कर लीजिए आप होमोजीनस। ठीक है, और हाई यूनिफॉर्म, और इसके साथ साथ ये क्वालिटीज़ के अपोजिट में चलती है हमेशा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। पिछली बार भी हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं कि जहाँ पे भी आपको होमोजाइगस, होमोजीनस और हाई यूनिफॉर्म दिखे वहाँ पे आपको लगा देना है। और तो उसके साथ ये भी रहेगा, नेरोजेनेटिक बेस भी रहेगी और नेरो एडाप्टेबिलिटी भी रहेगी। इतना क्लियर है, ये याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको अभी। ठीक है, तो हमारा जो पेडिग्री में होता है ये फिर कचरा हो गया अपना पूरा हमेशा की तरह। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ मैं, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। और हेट्रोजाइगस की जगह होमोजीनस कर लीजिए। ठीक है, और होमोजाइगस होमोजीनस समझने के लिए पुराने मॉक टेस्ट देख लीजिए, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा सब चीज़। ठीक है, नाउ पेडिग्री सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन, पेडिग्री सिलेक्शन किस पे बेस्ड होता है? जीनोटाइप पे हमारा होता है और ब्रीडिंग वैल्यू पे होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्या होती है ब्रीडिंग वैल्यू, क्या होती है? देखिए, वैल्यू से तो समझ रहे हो आप किसी चीज़ की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो किसकी वैल्यू है इसमें? जो पेरेंट्स हम यूज़ करते हैं क्रॉस में, उस पेरेंट्स की वैल्यू है। और उस पेरेंट की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी? उस पेरेंट की वैल्यू हमें पता चलेगी उसकी प्रोजेनी में देख के। ठीक है, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उसमें देख के हम बताएंगे कि उसकी क्या वैल्यू। तो क्या होता है, क्या लिखे हैं यहाँ पे कि ब्रीडिंग वैल्यू, ब्रीडिंग वैल्यू रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ एनिमल इन ब्रीडिंग, मतलब प्लांट्स भी बोल सकते हैं ना, ये एनिमल की डेफिनेशन आ गई यहाँ पे, बाकी प्लांट लगा दीजिए आप। ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेड, एक ट्रेड के लिए देखते हैं। एंड अ प्लांट ब्रीडिंग वैल्यू इज एस्टिमेट टू बी, ये छोड़ दीजिए ट्वाइस वाला, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब समझ गए इतना आप, क्लियर है? तो ब्रीडिंग वैल्यू क्या रहेगी कि उसकी प्रोजेनी में कितना उसका ट्रेड जा रहा है और किस, मतलब उसकी वैल्यू क्या है कुल मिला के, वो अपने लिए अच्छा है कि नहीं है। तो उसकी प्रोजेनी को देख के हम बता पाएंगे उसकी वैल्यू क्या है, तो वही उसकी ब्रीडिंग वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है, चलिए आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मास पेडिग्री मेथड बस प्रपोज हुआ है, मास पेडिग्री मेथड किसने दी थी? तो वो जैसे हेरिंगटन ने दी थी।
ठीक है। और मास पेडिग्री मेथड बस फर्स्ट यूज इन किस में यूज हुई थी, तो कॉटन में यूज हुई थी, ठीक है। अब समझिए मास पेडिग्री मेथड क्या है। पेडिग्री मेथड आपको पता है, मास मतलब आपको पता है, ठीक है। मास मतलब बल्क में एकदम ज़्यादा में उसको ग्रो करना, वो मास हो गया, और उसमें बाद में पेडिग्री लगा देना, इस मास पेडिग्री मेथड बहुत सिंपल है। हेरिंगटन ने दी थी कॉटन में सबसे पहले, पढ़ लीजिए फिर भी उसकी डेफिनेशन आप, कि मास पेडिग्री मेथड रिफर्स टू द ग्रोइंग ऑफ सीग्रीगेटिंग मटेरियल, सीग्रीगेटिंग मतलब नेक्स्ट जनरेशन का, बाय बल्क मास मेथड वेन कंडीशन आर अनफेवरेबल फॉर सिलेक्शन, ठीक है। कंडीशन अनफेवरेबल रहेगी सिलेक्शन की, एंड यूज प्रोजेनी टेस्टिंग करेंगे पेडिग्री मेथड से जबकि वो फेवरेबल हो जाएगा सिलेक्शन का, ठीक है। दो चीज़ हो गई, पहले ग्रो करेंगे फिर उसका प्रोजेनी टेस्ट करेंगे पेडिग्री मेथड से, क्लियर इतना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पेडिग्री मेथड, पेडिग्री मेथड से रिलेटेड कौन सा है, तो ट्रांसग्रेशन, प्रोजेनी टेस्ट, पेडिग्री रिकॉर्ड। अभी हमने पहले क्वेश्चन में यहाँ पे देखा प्रोजेनी टेस्ट, तो ये तो यहीं से आपको क्लियर हो गया। पेडिग्री रिकॉर्ड हमने सबसे पहले क्वेश्चन में देखा था, जो पेडिग्री रिकॉर्ड रखते हैं, दो चीज़ तो आपको क्लियर हो गई, तो ऑल ऑफ दिस तो इसका आंसर आना है। अब ट्रांसग्रेशन से आप क्या समझ रहे हो, देखिए ये होता है कि आपके पास एक दो पेरेंट है, उनका जो क्रॉस बन रहा है वो जो क्या है कि दोनों पेरेंट से भी अच्छा बन रहा है, एक तरीके से जैसे हम हेटरोसिस बोलते हैं ना उसी टाइप से, क्योंकि उनसे भी अच्छा बन रहा है। ये क्या बोलते हैं, इसके अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो ऐसे बोल सकते हैं कि अपियरेंस ऑफ इंडिविजुअल है ना इन ए प्रोजेनी फ्रॉम ए हाइब्रिड, एक हाइब्रिड से जो प्रोजेनी बन रही है, विच एक्सीड आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स, दोनों में से किसी पेरेंट को एक्सीड करता है उससे ज़्यादा अच्छा है ये, ठीक है, ऑफ द हाइब्रिड, उस हाइब्रिड का, ठीक है। एक या दो कैरेक्टर किसी को भी लेके चलेंगे तो वो होती है आपकी ट्रांसग्रेसिव सिग्रीगेशन, और ट्रांसग्रेसिव सिग्रीगेशन से ही आता है हमारा ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग। वो क्या होता है, मतलब ट्रांसग्रेसिव सिग्रीगेशन को यूटिलाइज करेंगे हम ऐसी डिजाइन से, ऐसी मेथड से, उसको हम बोलेंगे ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग, उस ब्रीडिंग मेथड से यूज़ करेंगे। तो अगर ट्रांसग्रेशन मतलब समझ सीधी सीधी समझ लीजिए कि जो उसके ऑफस्प्रिंग होते हैं वो उसके किसी एक पेरेंट से अच्छे रहते हैं, एक या एक से अधिक कैरेक्टर में, इससे ज़्यादा आप अभी मत समझिए, जब लेक्चर लेंगे जब मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। फिलहाल आंसर याद रखिए ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। और ज़्यादा अगर आपको समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें तो आप पुराने लेक्चर्स देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स मैं पहले बता चुका हूँ। द कंसेप्ट ऑफ बल्क ब्रीडिंग मेथड वॉज डेवलप बाय, किसने ऐसा बल्क ब्रीडिंग मेथड दिया था, आपका नेल्सन एलन ने, कब दिया था, 1908 में, ठीक है। और बल्क ब्रीड वेराइटीज़ कैसी होती है, होमोजाइगस, होमोजीनस, वाइड एडेप्टेबिलिटी होल, जो कि हम सीग्रीगेटिंग पॉपुलेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है, एक सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा वाइडर एडाप्टेबिलिटी है किससे, आपकी पेडिग्री से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, होमोजाइगस, होमोजेनस और वाइडर एडाप्टेबिलिटी, इतना आपको याद रखना है। अब क्या होता है, इन प्लांट ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन द बल्क पॉपुलेशन मेथड ऑफ ब्रीडिंग डिफर्स फ्रॉम द पेडिग्री मेथड प्राइमरली इन द हैंडलिंग ऑफ द जनरेशन फॉलोड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। द एफ टू जनरेशन इज सोन एट नॉर्मल कमर्शियल प्लांटिंग रेट्स इन लार्ज ब्लॉट। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिंगल सीड डिसेंट मेथड वॉज डेवलप्ड बाई देश इन 1939, तो किसने दी थी, ये आंसर देख लेते हैं हम, ये हमारी दी थी गोल्डन ने, ठीक है, आंसर याद रख लेना गोल्डन। और होता क्या सिंगल सीड डिसेंट मेथड कि एक प्लांट के सिंगल सीड को लेके हम नेक्स्ट प्रोजेनी पूरी उसी से, लाइन पूरी की पूरी उसी से हम क्या करते थे, सोन कर देते और उसको बाद में मिला के मिक्सचर करके ग्रो करते हैं बल्क में, ठीक है, क्लियर है। पढ़ लीजिए आप एक बार इसको, सिंगल सीड डिसेंट मेथड, दिस इज ए क्लासिकल प्रोसीजर हैविंग ए सिंगल सीड फ्रॉम ईच प्लांट, हर प्लांट से एक सिंगल सीड लिया, बल्क बल्क किया उसको इंडिविजुअल सीड को और नेक्स्ट जनरेशन में प्लांट कर दिया, ठीक है। अब जो गोल्डन ने तो दे दिया, उसको यूज़ किसने किया था सिंगल सीड को, ग्रेफियस ने किया था, किस में किया था, ओट में किया था, ठीक है। और ब्रीम ने यूज़ किया था, SSG ब्रीम ने किस पे किया था 1966 में, तो इन्होंने किया था सोयाबीन पे, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। अब नरेंद्र राव डेवलप्ड बल्क ब्रीडिंग मेथड इन किस में किया था, इन्होंने ब्राउन मस्टर्ड में किया था, इससे भी याद रखना आपको, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है आपको नरेंद्र पर, इतना क्लियर है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।